Hey guys, so this session is with all the CS executive students. It's an interaction session, interaction cum doubt session. ठीक है, interaction cum doubt session both for CS executive students. भाई एग्जाम की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी. दिसंबर 21 वाले जो स्टूडेंट्स हैं एकदम जोर शोर से तैयारी चल रहा है और ऑलमोस्ट डेली मैं आपके साथ जो है लाइव रिविजन करवा रहा हूँ. आई होप यू आर एंजॉइंग द रिविजन सेशंस. पावर पैक रिविजन रहता है, कम समय में बहुत सारा चीज रिविजन हो जाता है, वो भी एग्जॉस्टिवली. ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर ऊपर से रिविजन करते हैं या कोई टॉपिक स्किप करके या कंसेप्ट स्किप करके, बिल्कुल भी नहीं. आईसीएसआई का चप्पा चप्पा एक एक कोना कोना कवर है और कुछ भी नहीं छूटता अपने रिविजन क्लासेस में. तो हाईली रिकमेंडेबल है. जिन लोग रिविजन क्लासेस नहीं कर रहे हैं बेटा मरेंगे, पक्का से रिविजन क्लासेस करते चलो. ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल. महक पूछिए सर मॉड्यूल 2 का रिविजन क्लास कब से स्टार्ट होगा? बेटा मॉड्यूल 1 का तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. कंपनी लॉ खत्म, जेएजीएल खत्म, एसबीसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा कमिंग हफ्ता में. उसके बाद मॉड्यूल 2 का रिविजन होगा बेटा. ये मैंने कल भी बताया था, यस्टरडे ऑल्सो इट वॉज टोल्ड, है ना? और बताओ भाई, पढ़ाई लिखाई जोर शोर से चल रहा है कि नहीं? भाई डॉल जो है वो आज संडे है तो भाई संडे को मेरा प्रॉमिस किया रहता है इनको कि सारा टाइम तुम ही लोग के लिए है तो बट वो रहता नहीं है. तो आज लगातार मेरा यू नो डाउट सेशंस लाइंड अप है. तो बच्चे बोले कि नहीं छोड़ेंगे. कितना बार मैंने सेशन स्टार्ट होने के पहले भी रिक्वेस्ट किया तुम लोग के सामने, भाई चली जाओ चली जाओ चली जाओ, लेकिन बच्चे बोले नहीं आज तो हम भी साथ रहे. डोल वहां जाओगी? हाँ पापा पढ़ा लेता है, ऐसे ही पढ़ाए. ठीक, हाँ मॉड्यूल 2 में अपने बिल्कुल बच्चे रिक्वेस्ट करे सर मॉड्यूल 2 का जब आप रिविजन करेंगे सर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस मॉड्यूल 2 का उस तरीके से करवाइएगा. तथास्तु, क्योंकि मॉड्यूल 2 का अपने हाल फिलहाल में ही पूरा मैराथन जो है वो लिया हुआ है. ठीक है, हाल फिलहाल मतलब 2021 में लिया हुआ है, 2021 में लिया हुआ है. तो वो मैराथन सबको देखना है मॉड्यूल 2 का. एंड पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो है मॉड्यूल 2 का जो मिशन मिशन EBCL जो आएगा और जो मिशन SLCM आएगा, वो दोनों मिशन में मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूरे करवा दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा. चलो जाओ तथास्तु, बहुत मजा आएगा उसमें. और बताओ और क्या चाहते हो भाई? सब कुछ सारा सर्विस तुमको दिया जा रहा है. ठीक है ना? अरे हाँ, कल से तो 2022 वाले बच्चों का 2022 जिनका एग्जाम 2022 में सीएस एग्जीक्यूटिव जून 22 दिसंबर 22 का फेस टू फेस बैच कल से 9 AM स्टार्ट हो रहा है मेरा फेस टू फेस. ठीक है, मी एंड माय एंटायर टीम ऑफ फैकल्टीज स्टार्टिंग ओपनिंग हम करेंगे टुमारो 9 AM. तो भाई स्प्रेड अ वर्ड, जो जिन लोग का तुम्हारे फ्रेंड्स का जूनियर्स का एग्जाम है जून 2022 में या दिसंबर 2022 में, कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया सब्जेक्ट SLCM सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट. टुमारो लॉ का पेपर 9 AM. ठीक है, फेस टू फेस रहेगा और लाइव एट होम दोनों रहेगा. तो कलकत्ता वाले बच्चे फेस टू फेस करेंगे और ऑल ओवर इंडिया वाले जो बच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे वो लाइव एट होम घर बैठे सुबह सुबह जल्दी उठ करके 9 AM करेंगे. राइट सर, और बताओ भाई और बताओ. प्रियंका बोल रही है सर आफ्टर अमेंडमेंट इन सेक्शन 135 एवरेज प्रॉफिट 3 साल कर लेंगे कि लेसन नंबर अभी इसका बेशरम. अभी अभी 3 दिन पहले CSR का अमेंडमेंट डाला गया था, उसमें तो बताया गया अलग से CSR का अमेंडमेंट डाला गया. भाई देखो भाई देखो, अगर 3 साल कंप्लीट हो गया तो पिछला 3 साल का एवरेज लेंगे प्रॉफिट का, और अगर 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो लेसन नंबर ऑफ इयर्स का लेंगे. देखना नहीं है? नहीं सर देख लेंगे सर, टेंशन नहीं, देख लेंगे. और इसके अलावा बोलो भाई. यस रूपाली जी अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ रूपाली जी अनम्यूट योरसेल्फ. यस, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चल रहा है सर, इतना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है. दिसंबर में दे रहे हो एक मॉड्यूल? आप दे रहे हैं दिसंबर में? दिसंबर एक मॉड्यूल दे रहे हैं. एक मॉड्यूल दे रहे हैं. हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ. थैंक यू सर, आपकी वजह से अभी ज्यादा बुक लेके तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है. नहीं, नहीं, बट आपके रिविजन लेक्चर देख रहे हो रेगुलर पे जो आ रहे हैं. निकुंज सर का तो बहुत हेल्पफुल हो रहा है टैक्स के लिए. बस बस लगे रहो लगे रहो. Hats off. Rupali ji is from Mumbai. Yes, Mumbai. And she volunteered. You know, she volunteered our Mumbai seminar. And yes, sir. Very helpful. And ऐसे ही students जो है ना, मतलब
क्या बोले, एक अलग बॉन्डिंग बन जाता है. एंड इनके हस्बैंड भी आए थे मुंबई वाले सेमिनार में, और बहुत बहुत बढ़िया लगा था उनसे भी मिल करके. एंड रूपाली जी, इफ यू डोंट माइंड मी शेयरिंग द गुड न्यूज विद द अदर स्टूडेंट्स. आपका अनम्यूट हो गया. हाँ हो गया मैं. ये न्यू बॉर्न बेबी आपका रो रहा है ना? यस सर. अरे वाओ, दैट्स ग्रेट. मतलब हम लोग मुंबई वाले सेमिनार में लास्ट मंथ ही वो तो हुआ था ना हम लोग का मुंबई वाला सेमिनार, 7th November 7th November. ओ माय गॉड, संडे. नवंबर. तो शी वाज यू नो एक्सपेक्टिंग एंड फाइनली द गुड न्यूज इज हियर एंड द न्यू बॉर्न बेबी गर्ल. क्या नाम रखा आपने? क्या अभी नाम तक रखा? नाम डिसाइड नहीं किया है बट वृंदा डिसाइड किया है. अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुआ है. हाँ वृंदा एक फाइनल किया है शॉर्ट लिस्ट. ओके एंड हैट्स ऑफ टू हर डेडिकेशन यू नो. एंड कब कब हुआ ये? 14th November चिल्ड्रंस डे पे. चिल्ड्रंस डे वाले दिन. वाओ, 14th November. एंड जस्ट इन वन मंथ यू नो शी इज प्रिपेयरिंग आल्सो एंड शी इज अपीयरिंग फॉर December 21 मॉड्यूल 1 आल्सो. मतलब हैट्स ऑफ, सैल्यूट सैल्यूट. अरे थैंक यू सो मच सर. आपके वजह से इतना मोटिवेशन मिलता है ना कभी मतलब कभार. आप, मतलब आप सब जो है ना ट्रू यू नो इंडियन गर्ल को रिप्रेजेंट करती हो, नहीं इट ट्रू मीन्स अ इंडियन गर्ल. लॉट. एक हमारी रैंकर आई थी, सेकंड रैंकर, अभी साल को नहीं हो प्रोफेशनल, मुझे नाम नहीं याद उसका. हाँ करेक्ट करेक्ट. हाँ उससे भी मैंने बातचीत हाँ किया, उसका भी वही था शायद. उसका इंटरव्यू मैंने देखा यस, 5 साल बाद वो उसने ए आई टू प्रोफेशनल जो किया. सीएस प्रोफेशनल में लेकर गई यस थी वो यस यस मेरी उसके स्टूडेंट साथ है, हुआ मेरा और बात. बहुत बहुत वो भी जो है ना वंडरफुल स्टूडेंट है. तो एक मुझे इंस्पिरेशन मिला, अगर वो कर सकते तो मैं क्यों करेक्ट, नहीं. और एब्सोल्युटली. मुझे घर से मिल रहा है अपने हस्बैंड से सपोर्ट, तो मैंने सोचा नहीं जो भी हो जाए अटेम्प्ट तो देना है एनी हाउ. ऑसम ऑसम. एंड आपके जैसे सर है तो बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है. मतलब बहुत टाइम सोचा मैं स्किप करूंगी या सीएस छोड़ दूंगी, बट नहीं, आपके ऐसे 2-5 मिनट 10-10 मिनट के जो मोटिवेशनल आते हैं वीडियोस, उनसे एक जरूरी है. इंस्पिरेशन मिल जाता है. तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं स्किप करना, अगर मैं स्किप करूंगी तो मेरे 2 बच्चे क्या बोलेंगे. जबरदस्त जबरदस्त, हैट्स ऑफ, सैल्यूट. तो भाई अब बात बाकी लोग जिन लोग सोच भी रहे होंगे December 21 में देना है क्या, तो अब उनको शर्म आने लगा होगा, शर्म आने लगा होगा मतलब, ठीक है ना. तो भाई अभी भी समय है. मैं हाँ अभी भी समय है सर. क्या बोल रहे हैं सर? सर आपको डेट नहीं पता क्या? आज का 6 दिसंबर हो गया है, 21 दिसंबर से एग्जाम है. 15 दिन बहुत होता है बेटा, बहुत होता है 15 दिन, अगर ढंग से यूटिलाइज करो 15 डेज बहुत होता है. एक दिमाग लगा दो बेटा, चीर फाड़ करके पढ़ाई करो, आराम से होगा. और जिन लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ याद रहेगा, कैसे याद रहेगा रे सब कुछ, पॉसिबल नहीं है. वो तो एग्जाम के एक दिन पहले तुम वही सब्जेक्ट पढ़ेगा ना और जा करके लिख देना. सर हम लोग को ना एक दिन से ज्यादा कुछ याद नहीं रहता पागल, एक दिन भी याद नहीं रखना है तेरे को, 3 घंटा खाली एग्जाम में याद रखना है. चल अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा. और जिन लोग नए नए अभी ताजा ताजा एग्जीक्यूटिव कोर्स के अंदर एंटर किया और जिनका एग्जाम जून 2022 और दिसंबर 2022 है, तो अभी से जो है एकदम फुल डेडिकेशन के साथ अभी टारगेट रखना है कि आपको पढ़ाई करना है और क्लासेस कंप्लीट करने के ऊपर अभी फोकस करना है, राइट? और बोलो भाई, और बोलो. एक भाई साहब से बात करते हैं अपने, चिराग. चिराग कैसा चल रहा बेटा? सर बढ़िया चल रहा है सर. मतलब रिवीजन तो हो गई ऑलमोस्ट, बस वही रिटेंशन की टेंशन है. और तो मतलब मोस्टली सिलेबस खाली एग्जाम का दौरान 3 घंटा, और उसके पहले तो तुम मतलब एक दिन वही वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे जिसका कल एग्जाम है, और 3 घंटा खाली. हाँ सर मतलब स्पेसिफिक पॉइंट याद रह जाते हैं, जनरल वाले थोड़े दिक्कत बस बस दे रहे हैं. याद रखो भाई, और जनरल में तो ना जनरल. और सर कॉर्पोरेट अकाउंट कैसे रिवाइज करूँ बेटा? मेरा लास्ट का 5 वीडियो देखो, खाली एमसीक्यूज प्रैक्टिस है उसमें, 5 से 6 वीडियो में, 5 to 6 वो इनफ है ना? वो पूरा रिवीजन का काम है. ओके सर. और ईबीसीएल में सर वो एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है सर, वो काफी बड़ा है सर. करेक्ट, कोई उपाय नहीं है उसका, जितना पढ़ सको कभी खत्म ही नहीं होगा. जितना पढ़ सको, मतलब जितना उसका जितना दिमाग में रहे बस उतना. तो सर उसका PYQ और जो मार्किंग वगैरह वही कर बिल्कुल. ले रहा हूं. मैं ये गारंटी देता हूं, वचन देता हूं तुम लोगों को कि EBCL और SLCM का जो मिशन आएगा, मैं मिशन EBCL और SLCM, EBCL और SLCM का मिशन मैं एग्जाम ओरिएंटेड रखूंगा. प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैं मिशन में करवा दूंगा. चलो ऐश करो. थैंक यू सर, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. एकदम डन, वचन है. 21 दिसंबर के पहले तक हो जाएगा. यस सर, थैंक यू.
थैंक यू। और बोलो भाई, और बोलो। 21 दिसंबर भी मैंने ज्यादा बोल दिया, इनफैक्ट 15 दिसंबर तक हो जाएगा, 15 दिसंबर। थैंक यू। चलो और बोलो, और बोलो। तो भाई अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। हाँ श्रुति बोलो। हाथ आपने उठा रखा है श्रुति, उसके बाद पार्थ बोलिए। या हाय बोलो। तो मैं दिसंबर में दोनों मॉड्यूल्स दे रही हूँ। यस यलगार हो, लग जाओ बेटा अब। दिसंबर 21 ना? हाँ सर। बस बस एकदम। सर तो मुझे दिक्कत एक्चुअली आ रहा है अकाउंट्स में, सीएमए में, कि उसपे उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और एसएलसी अभी सॉल्व होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगी। लास्ट का मेरा जो 5-6 वीडियो है उसमें खाली 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 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाया गया है। वो 6 वीडियोस को देखो और जम करके प्रैक्टिस करो सर। और आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन पार्ट कुछ बहुत ज्यादा मैटर करता है क्या? बेटा आंसर राइटिंग ही तो लिख करके मतलब तुमको मार्क्स मिलेगा, मतलब अगर लिखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? मेरे को कितना भी नॉलेज है लेकिन अगर हम एग्जाम को पेपर को देख करके बोले मेरे को सब आता है, एग्जामिनर मेरे को सब आता है, थोड़ी ना मार्क्स मिल जाएगा। यू हैव टू रिप्रोड्यूस इट ऑन द पेपर। और जो हम लोग 500-600 क्लासेस किए उसमें यही तो लिखवाने का प्रैक्टिस ही तो करवाया गया बेटा। सो हैंडराइटिंग आई मेंट। अच्छा हैंडराइटिंग, तो ऐसा बोलो रे बाबा तुम लोग, मतलब मेरे को ना ऐसे शौक मत दिया करो कि राइट। एक बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले पूछता है, ओ सब तो ठीक है, आंसर लिखता कैसा है एग्जाम में वो बता दीजिए। अरे बाप रे बाप, हम मन में सोचते हैं भाई ये क्या पूछ रहा है भाई, दुनिया भर का क्वेश्चन आंसर लिखवाने का प्रैक्टिस कराया गया और अब इसको ये चाहिए आंसर लिखता है कैसा है वो बता दीजिए। तो मन में तो बहुत गुस्सा आता है लेकिन फिर भी हम उसको बता देते हैं क्योंकि अब भाई कल एग्जाम है, उसको क्या समझाएं। हाँ हैंडराइटिंग मैटर करता है कि नहीं, इसका एक ही जवाब है, मेरा हैंडराइटिंग कैसा लगता है जब मैं क्लास में लिखता हूँ, झूठ मत बोलना, सही सही बताओ, मोती जैसा अक्षर है? नहीं सर, बट समझ में आता है आप क्या लिख रहे हैं। समझ में आ जाता है ना, मोती जैसा अक्षर नहीं है ना, खाली समझ में आ जाता है ना। तो याद रखना मेरा हैंडराइटिंग एकदम भी अच्छा नहीं था बट फिर भी मेरा ऑलरेडी रैंक 1 आया। अब क्या इससे तुमको समझ में आता है, खुद समझ लो। और कोई टिक्की टिक्की वाला पेपर नहीं है, पूरा सब्जेक्टिव पेपर लिख करके AIR 1 था। तो अब समझ लो मतलब हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता, खाली सामने वाले को समझ में आए भाई। ठीक है सर, थैंक यू। बोलो पार्थ। सर मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है, रिटेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ओहो रिटेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, इसका मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ बेटा। सुबह डेली अभी से लेकर के जब तक तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, 5 जो बादाम आता है ना बेटा, भिगा करके रात में रखना और सुबह उसको छील करके खाना है, तुम देखना ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अखरोट भी खाओ। सर सच में बता नहीं, वो कंपनी लो पढ़ने में से ठीक ही होता है बेटा। 5 बादाम जो है भिगो करके रखना है रात में, सुबह उठ करके उसको छील करके खाना है और अखरोट भी खाना। ओके सर। ए उत्कर्ष हंस क्यों रह रहे? बोला हम ये यही करते हैं भैया, हमको सब याद रहता है बेटा। अब इसका जवाब और क्या मिलेगा बेटा बताओ, दुनिया भर का रिवीजन चल रहा है बेटा, रिवीजन नहीं देखना है, रिवीजन भी नहीं देखना है और फिर बोला रिटर्न का प्रॉब्लम आ रहा। तो भाई मैं कोई दिमाग का डॉक्टर तो हो नहीं है ना, क्लास में एक्रोनिम बनाया गया उसके ऊपर फोकस करो, क्लास में कंसेप्ट जो समझाया गया उसके ऊपर फोकस करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये वाला सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं ना तो सर एक हफ्ता पहले पढ़े थे लेकिन फिर से जब वो खोलते हैं ना तो ऐसे हम लोग ढक करके सोचते हैं ना कि सब याद आ जाएगा, नहीं सर एक बार पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सब आता है, ऑब्वियस सब आता है। हाँ जो बच्चे अब लेट आए हैं भाई अब उनका क्या उपाय भाई? यस हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओगे तब दिखेगा, हाथ ही नहीं उठाओगे और चैट में लिखोगे मुझे अनम्यूट करिए मुझे अनम्यूट करिए तो कैसे होगा। रनीता टुमारो, रनीता दास टुमारो, जिनका June 22 में Module 1 है खाली, मैंने उनका लाइव एट होम Module 1 का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। जो अभी नवंबर में ET पास किए हैं उनका Module 1 का एकदम अपडेटेड फुल्ली अमेंडेड वाला लेटेस्ट वाला रिकॉर्डिंग है अलॉन्ग विथ लाइव गाइडेंस, और मैं उनका पूरा टारगेट जो है ना वो सेट किया करूंगा तो कल उनको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है पटना कब आ रहे हैं सर? बस तुम लोग एग्जाम्स बस एक बार हो जाने दो बेटा, जनवरी में आएंगे, चलो जनवरी में पक्का आ रहे। जमशेदपुर कब आ रहे हैं सर? बेटा वैसे ऐसे मत करो बेटा, पढ़ाना भी है भाई। बाद बाकी सिटीज का मैं अनाउंसमेंट जनवरी में कर दूंगा।
कोमल बेटा, मतलब गजब बेटा गजब। हम बच्चे को हाथ उठाने बोले, ये कैसे हाथ उठा रही है बताए, कब से हाथ उठा रहे हम देख नहीं, आप बोले हाथ उठाइए हाथ उठा, देख नहीं रहे। अरे रेज द हैंड का ऑप्शन यूज करना रहता है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम दिख गई हो। बोलो कोमल, तुम ही कब से लिखे जा रही थी, अनम्यूट करिए सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ एम आई ऑडिबल सर? हाँ सर। वो मुझे, मैं भूल गई थी वहां से हैंड रेज करना। बोलो सर, SLCM के लिए पूछना था ना कि जो डीलिस्टिंग रेगुलेशंस जो है सर, वो इस बार के सर उसमें तो सर वो ICSI का जो वो आता है सप्लीमेंट्री, उसमें तो सर 2021 का एडेड नहीं है, तो सर 2009 वाला पर है या फिर 2021 वाला? तुमको पुराना वाला ही, तुम्हारा दिसंबर में एग्जाम है तो। यस सर। हां तो तुम्हारे लिए वो एप्लीकेबल नहीं सर। 2009 ना? करेक्ट सर। हां स्थिति सही नहीं है बिल्कुल भी। और स्थिति सही नहीं है फिर भी अगर तुम्हारे चेहरे पर इतना ब्रॉड स्माइल है, अरे वाह रे वाह भाई, क्या जिंदा दिली है। अभी जो मेरा मिशन SLCM स्टार्ट होगा ना, मिशन SLCM एंड मिशन EBCL, उसको अच्छे से देख लेना, उसमें सारा PYQs करके चले जाना, बस हो जाएगा। यस सर। सर 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 सुनिए ना। हेलो। हाँ सर, पटना आ रहे हैं ना? हाँ जब आएंगे हम बता देंगे, आप आइएगा ना एयरपोर्ट। एयरपोर्ट सर बिल्कुल आएंगे। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। मॉड्यूल ऑन हो गया सर? सब कुछ सही सही, मतलब बीच बीच में जा रहा है सारा कुछ। अच्छा दोनों मॉड्यूल दे रहे हो क्या? यस सर, दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं सर। जैसे सिलेबस बहुत सारी चीजों का कंप्लीट नहीं है, लेकिन कुछ रिवीजन लेक्चर से, कुछ रेगुलर लेक्चर से, ऐसे करके। ठीक, चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो भाई सचिन, या लास्ट सचिन। यस सर। हाँ बोलो सर। सर सेकंड मॉड्यूल है मेरा दिसंबर में, तो मैंने अपने क्लासेस कंप्लीट कर लिए सर, और अगस्त में फर्स्ट मॉड्यूल मैंने क्लियर किया था, तो दो तीन महीने मिले, लेकिन सर क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं और रिवीजन कर रहा हूँ सर। सर बस वेट, सर वेट है SLCM मैराथन का और ABCL का सर। SLCM मैराथन बेटा 2021 में आया था SLCM का मैराथन, हम उसमें SLCM मैराथन में हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ही बता दे रहे हैं। मिशन SLCM के जो PYQs रहेंगे, मिशन EBCL के PYQs रहेंगे, वो सारा करवाने वाले। ओके सर। सर सर उसे कंप्लीट हम कर लेंगे सर, पूरा पूरा। और SLCM का बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, मेरा दो मैराथन है। अच्छा ठीक है, चलो मैं क्या करूंगा ना, उसमें से जो रेलेवेंट पोर्शन रहेगा ना, मैं उसको पूरा आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है चलो, तुम लोग SLCM का PYQ भी मिल जाएगा, UCL का भी PYQ मिल जाएगा, और इन लोग का मैराथन भी मिल जाएगा अमेंडमेंट के साथ। जो पोर्शन अमेंडमेंट हुआ होगा वो अमेंड करके मैं पूरा प्रीमियर कर दूंगा, पूरा फ्रेश। ठीक है चलो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। अच्छे से होशो आवास में रहना, पैनिक मत होना, ठीक है? पैनिक हो भी जाए तो मेरा मोटिवेशनल वीडियो देखो, ठीक है? और भाई कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा 130 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली पेपर आता है, 130, उसमें से 30 नंबर तो करना ही नहीं है, चॉइस में छोड़ना है, ठीक है? 100 मार्क्स करना है, उसमें से खाली तुमको 40 लेकर कहना है, चलो 50 समझ लो ग्रुप टोटल के लिए, तो इट्स ओके, ठीक है? अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत प्रोविजन इधर उधर भूल जा रहा है, ठीक है यार चलेगा यार, तुमको 100 में 100 नहीं मिलने वाले, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एग्जाम डेफर मत करना, फाड़ मचा करके आओ, और अभी एकदम जोश के साथ पढ़ाई करो। चलो बाय, डॉली बाय बोल दो, बाय, ऑल द बेस्ट बोलो, इन लोगों का एग्जाम है। चलो बाय।